पर केक लग चुका है, कैंडल भी जल चुका है, क्रियांश सब केक काटेगा और क्रियांश भी तैयार है। हैप्पी बर्थडे टू यू। उनको रिपोर्ट में जो है थोड़ा सा डॉक्ट लग रहा है थायराइड का, उन्होंने कहा कि फिर से जो है आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए, क्या कभी थायराइड बढ़ा हुआ है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। हमारा पोता है इनके है, रात का नंबर पोता तैयार हो गया। कंघी ने भी किया था ना? हाँ ये। लेकिन कैप लगा के सब कंघी खत्म। हाँ ये आप जय जय करें। बबलू बेटा राणा, हमारा पोता राणा सांगा है। क्या हीरो बन रहा है तुम? मेरा बाबा अच्छा, मेरी दादी अच्छी, मैं खुद अच्छा, मेरा पापा अच्छा, तुम्हें उम्र मिली। पट्टू करता है, तुम बंदर लड़का, तुम तो पट्टू किया। तो आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे जी केक और यह बर्थडे कैप। तो आज क्रियांश का है 8th मंथ बर्थडे, इसको नीचे लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पर है मम्मी पापा और जिया, सभी लोग वहीं पर मौजूद हैं, तो वहीं पर केक कटिंग का कार्यक्रम होगा, तो चलते हैं। क्या है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है, अरे खुश कितना टोपी पहनेगा ये, रुक जा आराम से पहना, दो आदमी मिलकर अकेले नहीं पहना पाएगा। क्रियांश बर्थडे कैप पहन लो, पहन लो पहन लो पहन लो, पहन देगा ये, इसको स्वागत कर देगा, दादी आएगी तो पहना देगी इसको, क्या। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, हैप्पी बर्थडे क्रियांश। अच्छे से अच्छे से रस्से को पीछे कर लो। बस हो गया। हैप्पी बर्थडे, हमर पोती गुड़िया ला, देख लो पोती का टोपी देख लो, इससे बढ़िया नहीं पहनता तो ज्यादा अच्छा था। कितना सा पार्टी कर रहा है, और क्या चाहिए, अभी केक खाएगा नहीं, इसी स्टूल पर काटा जाएगा, केक निकाल लो। काटने से पहले मेरा पोता घोने के लिए बेटा हमें देख रहा है क्या सब, अभी शोर मचाएगा कुछ देर में, क्या है क्रियांश, क्या है ये देखो क्रियांश। यहाँ पर केक लग चुका है, कैंडल भी जल चुका है, क्रियांश सब केक काटेगा और क्रियांश भी तैयार है। पहले कैंडल फूंक दो, तुम लोग कैंडल फूंक दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर क्रियांश, हैप्पी बर्थडे क्रियांश, हैप्पी 8th मंथ बर्थडे। चलो चलो चलो, ये कैंडल हटा देते हैं। हाँ मिल रहा है, मिल रहा है तुमको, केक मिल रहा है, खा लो खा लो। क्या अच्छा लगा, क्या आप कहेगा, बार बार दो। क्या तो लगा क्या? अच्छा लगा? शुगर फ्री केक है, शुगर फ्री सीखो, वो भी ये उसका है, बादाम का मन। आप ही खिला दीजिए। सोच रहा था बहुत बड़ा मिलने वाला है, कुछ नहीं मिला, जा पापा खा गए। देख रहा कैसे खा गए, आप बताइए। दादी भी खिला दी। अच्छा और लेना है, रुको रुको, दे रहे दे रहे, कटोरी में खा। नहीं हाँ मिल रहा है, मिल रहा। ये बाबा का है बेटा, दादी का है, कौन से क्या है। हाँ हाँ मिल रहा है, मिल रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, क्या ले क्या। अब दादी खाएगी, क्रियांश नहीं खाए, माँ ये लीजिए, क्या कैसे क्या, अब नहीं खाएगी बेटा, अब नहीं खाएगी। आगे नीचे देख रहा है, देखिए नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो सेलिब्रेशन हो गया जो छोटा मोटा हम लोगों को करना था, बस कह सकते हैं एक मेमोरी के लिए। क्रियांश 8 मंथ में कैसा दिखता था, 6 मंथ में कैसा दिखता था, इस वजह से एक मेमोरी कह सकते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन। और मैं आ गई हूँ अब किचन, किचन में आटा मिला के हमने रख लिया था, सब्जी तो दिन में ही बन गया था हम लोगों को, रात में ज्यादातर हम नहीं बनाते क्योंकि दिन में ही सब्जी बन जाता है, रात में बस रोटी बनाना रहता है, और बर्तन वर्तन धुल गया, बस सब फटाफट रोटी बनाना है, फिर सब कोई खाना खाएंगे। क्रियांश अभी भी नीचे, उसे बस केक खाना, केक उसको इतना अच्छा लग रहा है ना, वो केक के पीछे लगा है और उसके बाबा केक खिला रहे हैं, तो फटाफट खाना बनाते हैं, सबको बुलाते हैं खाना खाने के लिए।
यही सब नौटंकी चलता है रात में। गुंडा लड़का मेरे घर में दो गुंडा लड़का आया हुआ है, देख सकते हैं। जय जय। The next day. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:45 और खाना जो है लगभग हम लोगों का बन ही चुका है। तो खाना जो है मेरा लगा दिया जाए दीदी, क्योंकि हमको लगी है बहुत तेज भूख। खाना तैयार होता है, आप ही तैयार नहीं रहते। नहीं, तैयार है, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो है क्या बना है, कड़ी बड़ी बनाए क्या? चलो बढ़िया है। सूखा कचरी है वो भी दे दो। सूखा ज्यादा अच्छा लगता है। ये बेसन की कचरी, बेसन बंधा गोभी दोनों। अच्छा, दोनों मिला हुआ है इसमें। ठीक है, जिया के मैके से दही आया था, वो दही थोड़ा सा बच गया था, इसलिए उसका कढ़ी बना दी। तो दही का अगर पड़ोस तो सबको नहीं होता, इसलिए हम सोचे कढ़ी बनाते सब खा लेगा। बढ़िया है। चित्रा समधी को हम अपील करते हैं, हमको दही देते रहे कि मेरे घर में कढ़ी बड़ी बनते रहे। और मुझे आज ले जाना है जी गाड़ी, और गाड़ी को जो है देना है मुझे क्लेम में। जैसा कि आपको बताया था कि गाड़ी में कुछ डैमेज है, हमें इंश्योरेंस क्लेम लेना है उसका, तो उसी में देना था हमको। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो है कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, मेरा फुल बॉडी चेकअप का रिपोर्ट आया था, तो दिल्ली में तो दिखा दिया था, उन्होंने अपना मेडिसिन भी दे दिया था, साथ में कुछ कुछ इंजेक्शन भी दिया था। लेकिन हमने उस समय कुछ भी खरीदा नहीं, क्योंकि अचानक से हम आ गए कटिहार। तो सोच रहे हैं कि कटिहार में भी एक फिजिशियन को पहले दिखा दी वह रिपोर्ट, क्योंकि रेगुलर चेकअप जो होगा वह कटिहार में ही होगा, क्योंकि हम यहीं पर रहेंगे। बात क्या हो रही है कि मुझे गाड़ी देने जाना है पूर्णिया, जो कि कुछ किलोमीटर दूर है, लगभग लग जाता है 50 मिनट 1 घंटा के करीब। वहां पर जाने के बाद जो है थोड़ा समय भी लग जाता है वहां पर प्रोसेसिंग में, ना गाड़ी वहां जा पा रहा है ना हम यहां डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं उस चक्कर में। तो इस वजह से जो है दोनों डिले हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है सब कुछ क्लियर हो जाए। कल उन्होंने बताया था कि उनका DMS का सर्वर जो है काम ही नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जो है वह मुझे एक PDF डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। इस बार का जो मेरा इंश्योरेंस है कैशलेस नहीं है। कैशलेस अगर इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो इन सब चीजों का झंझट नहीं पड़ता है कि आप एक PDF लेके फिर जाके इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, वहां पर जाकर के जो है पूरा भरिए क्लेम का फॉर्म, और फिर उसके बाद जो है यहां पर आइए। बड़ा लफड़ेबाजी है। मैंने पैसे बचाने के चक्कर में जो है सस्ता इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन चक्कर काटना पड़ रहा है। पिछले इंश्योरेंस में चक्कर नहीं काटना पड़ रहा था, लेकिन क्या कहे जी, कॉस्ट का जो है अंतर भी बहुत ज्यादा है, लगभग डबल हो जाता है। पिछली बार जो है लगभग 35,000 की 36,000 में मुझे इंश्योरेंस मिला था, और इस बार मिल गया मात्र 13 की 14,000 में। तो काफी अंतर है, आप देख सकते हैं 2.5 गुना का लगभग अंतर हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं वो पता चलेगा आपको थोड़ी देर में। डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं जी, हमारा फुल बॉडी चेकअप हुआ था अभी कुछ देर पहले, बताया था जी आपको, पता नहीं है, मैं बता चुका हूँ वीडियो में, हमारा फुल बॉडी चेकअप हुआ था, उसमें कुछ रिपोर्ट आए थे और कुछ कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन हमें दिखा। तो हमें जो है अपने से किसी कंक्लूजन पर नहीं आना है, हमें जाना है सीधे किसी फिजिशियन के पास, वो बताएंगे कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। और आज मेरा जो है गाड़ी का इंश्योरेंस का भी काम होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। इंश्योरेंस में हमेशा लफड़ा लगता है, पता नहीं क्या, हमको मेरी समझ से तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम आती है। अगर जिनके पास समय नहीं है उनको तो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत समय देना पड़ता है इन सब चीजों में। तो डॉक्टर के यहाँ से तो दिखवा लिया जी, और साथ में जो है अपना ब्लड सैंपल भी दे लिया है। उनको रिपोर्ट में जो है थोड़ा सा डॉक्ट लग रहा है थायराइड का। उन्होंने कहा कि फिर से जो है आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए। जिया का भी थायराइड बढ़ा हुआ है, जिया ने भी अपना सैंपल दिया है, और बाकी आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेकर के चलते हैं।